नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टारगेट ऑल जी के एजुकेशन में आप सभी का स्वागतम। देखे फ्रेंड, कौन बनेगा करोड़पति KBC जूनियर IBR कॉल आज से आना शुरू हो चुके हैं दोस्तों। लेकिन एक प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों, जिसमें देखिए कॉलिंग के समय आप लोगों का कॉलिंग तो रिसीव कर रहे हैं, लेकिन जब आयु देने के बाद दोस्तों आप लोगों का कॉल कट हो जा रहा है। तो क्या है सलूशन, इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं। और क्या एक बार कॉलिंग के बाद दूसरा बार कॉलिंग किया जाएगा कि नहीं, इस वीडियो में आप लोग को पूरे इन्फॉर्मेशन के साथ बताने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखें, तभी दोस्तों आप लोग को समझ में आएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखें फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता देते हैं, मुझे भी दोस्तों कॉलिंग आया था और मुझे भी ऐसी प्रॉब्लम आया दोस्तों, जो कि आप लोग को जो आ रहा है एज डालने के बाद ही कट हो जा रहा है। तो क्या है सलूशन, इस वीडियो में आप लोग को चलिए दिखा देते हैं। देखिए फ्रेंड, जैसे कि आप लोग को पता है IBR कॉल के दौरान यदि आप लोग का यदि एक गलती है, चार से पांच गलती यदि आप लोग का है, तो दोस्तों दूसरे बार और कॉल नहीं आएंगे। लेकिन रीजन तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो, अलग रीजन है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर टर्म और कंडीशन में दिया है कि लाइन व्यस्त होने से आप लोग का कॉल कट हो जाएंगे, कोई जवाब नहीं मिलेगा तो दोस्तों कट हो जाएगा, कोई ड्रॉप कॉल ड्रॉप होगा तो कट हो जाएंगे, अन्य कारण किसी कॉल असफल कर सकते हैं तो उसमें समाप्त तो हो सकते हैं। तीन रीजन के दोस्तों, चार पाँच रीजन है, इसके चलते दोस्तों आप लोग का कॉल ड्रॉप होंगे। लेकिन जब दोस्तों आप लोग सही एज डाल रहे हैं तब दोस्तों कॉलिंग कट हो जा रहा है। तो ये क्या है, देखिए ये दोस्तों KBC की कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण दोस्तों ये हो रही है। तो आप लोगों को दोस्तों टेक्निकल ग्लिच KBC की तरफ से आ रही है, इसी के चलते दोस्तों सभी साथियों को ऐसे ही हो रहा है। यदि ये KBC के टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं होता तो दोस्तों सभी के नहीं होता, एक दो का ही दोस्तों ऐसा प्रॉब्लम आता, लेकिन दोस्तों ये सभी के सामने हो रहा है। दोस्तों मुझे भी कॉलिंग किया गया था और मुझे भी दोस्तों कॉलिंग करने के सही इंटर किया एज, फिर भी दोस्तों कॉल कट हो गया। आप लोगों को दिखा देते हैं मेरा रिकॉर्डिंग के साथ किस नंबर पर कॉलिंग किया गया था, चलिए दिखा देते हैं। इस नंबर से कॉलिंग किया गया था 4471891117, तीस नंबर पर कॉलिंग किया गया था और रिकॉर्डिंग भी सुना देते हैं। देखिए दो बार एंटर किया फिर भी दोस्तों सही नहीं हुआ, चलिए सुनिए। तो हिंदी सेलेक्ट किया मैंने, नंबर से KBC जूनियर के लिए रजिस्टर किया गया है, मैं रजिस्टर करने वाले व्यक्ति से बात करना चाहती हूँ। यदि आपने रजिस्टर किया है तो एक दबाइए, यदि आपने रजिस्टर नहीं किया है तो दो दबाइए। तो रजिस्ट्रेशन किया है तो इसलिए एक दबाया। करने के लिए अब पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर दें। देखिए यहाँ पर देखिए, 2023 तक पूर्ण वर्षों में अपनी आयु दर्ज करें, अपनी आयु बीप के बाद की पैड पर टाइप करें। देखिए जैसे बीप के बाद ही इंटर करना है, तो देखिए इंटर कर दिया फिर भी नहीं हुआ। देखिए देखिए माफ कीजिए, जवाब ही नहीं मिला, बता रहा है 11 सितंबर 2023 तक पूर्ण वर्षों में अपनी आयु दर्ज करें। अब फिर एक बार इंटर किया, अन्य उत्तर नहीं है, एक बार फिर प्रयास करें। 11 सितंबर 2023 तक पूर्ण वर्षों में अपनी आयु दर्ज करें, अपनी आयु बीप के बाद की पैड पर टाइप करें। देखिए फ्रेंड्स, नियमों और शर्तों के अनुसार हम ये कॉल जारी नहीं रख सकते। देखिए जारी नहीं रख सकते हैं, बताया। तो दोस्तों ऐसे रिकॉर्डिंग में हो रहा है तो कॉल कट हो जा रहा है दोस्तों। तो आप दोस्तों क्या है करना है, देखिए आप लोगों को दोस्तों सलूशन करने के लिए आप लोगों को kbcresponse@setindia.com पर दोस्तों ईमेल करना है, या दोस्तों लिव के दोस्तों ट्वीट करना है
ट्वीट पर जाकर ट्वीट करना है या दोस्तों ईमेल करना है kbcresponse@setindia.com पर दोस्तों आपको ईमेल करना है। तो ये हो गया दोस्तों सोल्यूशन। और एक और बता देते हैं, जिनके साथियों एक बार कॉलिंग किया गया है उन्हें और दो बार कॉलिंग किया जाएगा। देखिए आज यदि नहीं किया कॉल किया गया लेकिन कल तक दोस्तों आप लोगों को कॉलिंग किया जाएंगे, इसलिए दोस्तों आप लोग अपने पास मोबाइल का जरूर रखें। कभी भी आप लोगों का टपक सकता है दोस्तों कॉलिंग, तो कभी भी कॉलिंग आ सकता है, आप लोग जरूर याद रखें। और देखिए जैसे कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भर भर के कमेंट कर रहे हैं दोस्तों सभी व्यूअर कि सर दो बार कॉलिंग नहीं उठा पाए, तीसरे बार जब कॉलिंग किया एज डालने ही कट गया, क्या आप करें। तो देखिए अब दोस्तों आप लोग सोल्यूशन कर सकते हैं कि केबीसी को मेल करके आप लोग भेज सकते हो, या दोस्तों आप लोग का ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम है केबीसी के तरफ से तो ये कल तक दोस्तों सही हो जाएगा, कल तक सही हो जाएगा। सभी के पास जिन जिन साथियों को कॉलिंग किया गया था उन्हें और एक बार कॉलिंग किया जाएगा, जिसमें पूरे डिटेल्स डालने के बाद दोस्तों सही देने के बाद आप लोग का कॉम्प्लीट हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो कल तक सही हो जाएगा फ्रेंड्स, एक केबीसी की तरफ से ग्लिच है, तो टेक्निकल ग्लिच के कारण दोस्तों ऐसी हो रहा है। देखिए इसी ने भी बताया कि हेमंत तो साधु जी ने बताया एज डालने के बाद कट हो गया है, तो इनका भी दोस्तों जवाब मिल चुका है। देखिए सभी के पास यही आ रहा है दोस्तों, एज डालने के बाद ही कट हो जाए। देखिए ये केबीसी के तरफ से दोस्तों टेक्निकल ग्लिच है, ये दोस्तों आप लोगों को कल तक सही हो जाएंगे। तो आप लोग रेडी रहिए दोस्तों केबीसी की ऑनलाइन ऑडिशन देने के लिए, क्योंकि दोस्तों इस बार 25,000 लोगों को कॉलिंग किया जा रहा है। और ये दोस्तों ऑनलाइन ऑडिशन इस बार 26 सितंबर 2023 को दोस्तों ऑनलाइन ऑडिशन होने वाला है, और 25,000 लोग ऑडिशन देने वाले हैं दोस्तों, जिनमें 100 लोगों को दोस्तों परसेंट इंटरव्यू होगा, और परसेंट इंटरव्यू के बाद दोस्तों 10 लोगों को FFF खिलाएंगे श्री अमिताभ बच्चन के साथ। तो दोस्तों ये थे सोल्यूशन कि आप लोग केबीसी को अभी ईमेल करें, और यदि आप लोग ईमेल नहीं कर सकते तो ट्वीट भी आप लोग कर सकते दोस्तों, और कल तक ये सही हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि कल तक दोस्तों केबीसी वाले सही कर देंगे, ये दोस्तों टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसलिए दोस्तों सभी के पास कॉलिंग तो आ रहा है लेकिन एज डालने के बाद ही कट हो जा रहा है। तो ऐसा प्रॉब्लम वाले बहुत करते हैं, तो ऐसा प्रॉब्लम दोस्तों केबीसी की बहुत आते हैं, इसलिए दोस्तों आप लोगों को टेंशन नहीं लेने का। आप सभी लोगों को ऐसे ही प्रॉब्लम हो रहा है, दो लोगों के नहीं दोस्तों, आप सभी को हो रहा ही दोस्तों है। जिन्हें कॉलिंग किया गया सभी के पास दोस्तों कॉलिंग किया गया है, जिन साथियों को कॉलिंग किया गया सभी के दोस्तों एज डालने के बाद ही कट हो जा रहा है। तो आप लोगों को दोस्तों कल तक वेट करना है, कल तक दोस्तों सही हो जाएगा केबीसी की तरफ से। तो दोस्तों ये थे इन्फॉर्मेशन, आप लोगों को टेंशन नहीं लेने का दोस्तों, तो कल तक सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहीं पर एंड करते हैं वीडियो को, तो ये थे आज का वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो कुछ हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों किसी वीडियो में, तब तक के लिए सब